James Webb Space Telescope reveal most high-definition images of our universe, from deep field images to the images of nebula. I will explain the all essential detail of these images in this video in Urdu. ये पिक्चर प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनवील किया और इस पिक्चर को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से लिया गया। इस डीप फील्ड इमेज को कहा जाता है वेब फर्स्ट डीप फील्ड इमेज, और ये जो गैलेक्सी क्लस्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन गैलेक्सी क्लस्टर का नेम है SMACS0723। अब ये जो आपको गैलेक्सी क्लस्टर्स नज़र आ रहे हैं, ये 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। और अगर इनका साइज़ देखा जाए कि ये जो गैलेक्सीज़ हैं जो हमें नज़र आ रही हैं, ये पूरी यूनिवर्स का कितना सा पार्ट है, तो उसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि अगर एक हाथ पे रेत का छोटा सा ज़र्रा हो, इस ज़र्रे के बराबर ये गैलेक्सीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू द होल यूनिवर्स। तो इतनी बड़ी यूनिवर्स है और इस ज़र्रे में भी हमें हज़ारों की तादाद में गैलेक्सीज़ नज़र आ रही हैं। और अगर इसको कंपेयर किया जाए हबल टेलीस्कोप के इमेज के साथ, तो हबल टेलीस्कोप की इमेज की निस्बत जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का ये डीप फील्ड बहुत ही ज़्यादा क्लियर और हाई डेफिनेशन है। नेक्स्ट इमेज है एक नेबुला का, जो कि बहुत ही क्लियर लिया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की गोल्स में से एक गोल्स है कि नियरेस्ट नेबुलास को स्टडी करना। जो हमारे पास कैरिना नेबुला है वो 7500 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ है, और इसकी अगर हम पिक्चर को देखें तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर पिक्चर है एज कम्पेयर टू द हबल। ये एक हबल से ली गई इमेज है जो कि बड़ी एक डल सी है और बड़ी ब्लर सी इमेज है, मगर अगर इसके मुकाबले में वेब की इमेज को देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है और बहुत से और डिफरेंट स्टार्स को दिखा रही है। और ये जो स्टार्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली नेबुला के अंदर के स्टार्स हैं, मींस के जो नेबुला के अंदर न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं। तो ये एक्चुअली बस फ्यू मिलियंस ईयर्स ओल्ड हैं ये वाले स्टार्स, तो हम इनकी बर्थ को बड़े क्लोजली देख सकते हैं। ये जो आपको स्टार्स नज़र आ रहे हैं, ये स्टार्स नेबुला के अंदर हैं, तो ये एक्चुअली कह सकते हैं ये स्टेलर नर्सरी है जहाँ पे स्टार्स की बर्थ हो रही है। तो हम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्टार्स की बर्थ किस तरह से हो रही है, क्योंकि ये इमेज बहुत ज़्यादा हाई डेफिनेशन है, तो हम बड़ा क्लियरली इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इमेज बहुत ही मुझे मज़े का लगा है वो है स्टीफन क्विटन का। ये फाइव गैलेक्सी का क्लस्टर है जिसे स्टीफन क्विटन कहते हैं। एक्चुअली ये एक थोड़ा सा मिसलीडिंग नेम है, बिकॉज क्विटन का मतलब होता है कि पांच चीज़ों पर मुश्तमिल कोई चीज़। एट द फर्स्ट प्लेस इसको ऑब्जर्व किया गया 1877 में एडवर्ड स्टीफन ने, मगर ये पांच गैलेक्सीज एक्चुअली नहीं है, बिकॉज कि ये जो चार गैलेक्सीज आपको नज़र आ रही हैं, ये चार गैलेक्सीज ये अबाउट 290 मिलियन लाइट ईयर्स अवे हैं, मगर ये जो पांचवीं गैलेक्सी है ये जस्ट 40 मिलियन लाइट ईयर अवे है। इट मींस कि ये कोई क्लस्टर नहीं है, ये आगे पीछे की पिक्चर्स हैं, ये जस्ट फोर गैलेक्सीज का क्लस्टर है। तो अगर इसको क्लोजली देखा जाए तो आपको ये बड़ी क्लियरली नज़र आ रही हैं कि ये जो दो गैलेक्सीज हैं ये बड़ी आपस में मर्ज हो रही हैं और एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं। और स्टेलर इवेंट्स में से ये इवेंट बहुत ही मज़े का है, जहाँ पे दो गैलेक्सीज आपस में कोलाइड कर रही होती हैं, इसे कहते हैं गैलेक्टिक कोलिजन। और इनको बड़ी डिटेल से हम इस पिक्चर से स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से दो गैलेक्सीज आपस में कोलाइड कर सकती हैं। तो अभी तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ज़माने का आगाज़ हुआ है, हम बहुत बेताब हैं, बहुत क्यूरियस हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से न्यू इमेजेस आने की। तो स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।